हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू ग्लोरियस पब्लिक स्कूल। मैं प्रदीप शर्मा, चलिए आज से आज चर्चा करते हैं आपसे। देख स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो बड़े आ की मात्रा वो भी मैंने बता दी है, छोटी ई की मात्रा भी आपको बता चुका हूँ। आज बताऊँगा बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा किस तरह से लगाते हैं। जैसे क पर लगाया है बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया हमारा की। तो मैंने स्टूडेंट आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जो छोटी ई की मात्रा लगती है उस पर बोलने में ताकत नहीं लगती, उसको बोलने में ताकत नहीं लगती, मगर जो बड़ी एक मात्रा होती है उसको बोलने में ताकत लगती है। जैसे घड़ी, इमली, हाथी, चीता, मछली, दीपक। ये क्या स्टूडेंट, इस पे सब पे बड़ी एक मात्रा लगी हुई है। अब देखिए, मैंने बताए थे स्वर और व्यंजन, मैंने आपको बताया था। तो व्यंजन में किसी भी शब्द पर आप मात्रा अगर लगाएंगे तो उसका बोलने का पढ़ने का जो उसका एक सार है वो बदल जाता है। जैसे हमने इस पर बड़ी एक मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, खीर। देखिए, इस पर ताकत लग रही है मगर इस पर ताकत नहीं लग रही, क्योंकि इस पर बड़ी की मात्रा लगी है, इस पर कुछ नहीं लगा है। तो हम कैसे बोलते थे, क ख ग घ र, और जब हमने बड़ी एक मात्रा लगाई तो बोले खी र, ती र, पी र, बी र, नी र, झील, मील, खील, चील, रील, हरी। देख स्टूडेंट, इसमें लगाया था बड़ी मात्रा लगी थी अगले उसमें शब्द, इस पर आप अब कहां लगी है, पीछे। तो पहले आगे बोलने में ताकत लगती, अब पीछे बोलने में ताकत लगी, इस पर पीछे ताकत नहीं लगती थी, अब इसमें पीछे भी ताकत लगती बोलने में। हरी, प री, द री, ड री, च री, क ली, ग ली, फ ली, ब ली, न ली। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे आ जाते तीन, तीन को शब्दों को जो मिलाकर हम बनाते हैं तो वो आ जाता है। अब देखिए कैसे बोले इसको, लकड़ी, ककड़ी, छतरी, मठरी, लकीर, फकीर, अमीर, पनीर, असली, नकली, मछली, ढपली। अब देखिए इसको, अब जो हम अब मिला के पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, परी खीर खा, पानी पी, चीनी ला, सीटी मत बजा, जीभ मत निकाल, मनीषा आ, कहानी कह, पपीता खा, नीली या पीली साड़ी पहनकर आ। तो क्या स्टूडेंट, अब इसी में आगे देखिए, आगे एक छोटी सी एक इसी के ऊपर एक कविता भी है, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, सज धज आज दिवाली आई, दीदी खील बतासा लाई, चाची आई, मामी आई, दीवाली का दीपक लाई। तो क्या है दोस्त स्टूडेंट, इसको हम इसमें देखिए, हमारे छोटे जो इनको हम सीधे सीधे बोलते थे क अ ट प र, वो भी इसमें है, और बड़े आ की मात्रा वाले भी शब्द हैं और बड़ी ई की मात्रा वाले भी शब्द हैं और भी शब्द हैं। तो क्या है कि आप इससे इसको पढ़कर गाकर भी याद कर सकते हैं। चार लाइन की है आपकी कविता केवल, इसमें आगे फिर अब होमवर्क दिया जा रहा है आपको, होमवर्क आपका कुशलता परीक्षण। देखिए इसमें चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए, क्या देखकर, चित्र देखकर, चित्र में आपको दिखाई देता है उसमें एक शब्द दिया है, दूसरा शब्द आपको लिखना है। जैसे ये चित्र है, इसके आगे पीछे लिखा है ता, तो इससे आगे का लिखना है। इसमें जो बना है हमारा हा लिखा है, इसमें आगे का लिखना है।
इसमें पीछे का लिखना है और इसमें भी पीछे का लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार पर आते हैं, बड़ी की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। इन पर सब पर बड़ी की मात्रा लगानी है आपको, जैसे एक पे लगा के दिखाई गई है, ठीक। अब इसी से ये आपको पढ़ना सीखना है, और जो नीचे दिए गए रंगीन अक्षर पर ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। किस पर लगाना है आपको? रंगीन अक्षर पर, इस पर जो रंगीन अक्षर है कलर्ड, इन कलर्ड अक्षरों पर बड़ी की मात्रा लगा के शब्दों को पूरा करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।